राजस्थान में मंगलवार से बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर सीएम विजयलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस अभियान को लॉन्च किया है। प्रदेश में सबसे पहले सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है। वहीं केंद्रीय स्तर पर सोमवार को ही पीएम मोदी देश में भाजपा के पहले सदस्य बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता ग्रहण कर सोमवार को भाजपा सदस्यता अभियान का देशव्यापी आगाज कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के प्रधान सेवक को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इसके बाद अब इस अभियान का आगाज राज्यों में हो गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद 4 सितंबर से प्रदेश के जिलों में इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इस मौके पर सीएम भजनलाल को अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सदस्यता दिलाई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को विधायक अनिता भदेल और मदन राठौड़ ने तो प्रेमचंद बैरवा को प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा और मदन राठौड़ ने सदस्यता दिलाई। पार्टी के अभियान को गांव ढाणी तक लेकर जाना है। जिस तरह से पीएम मोदी ने देश के लिए और देश के विकास के लिए काम किया है, उन योजनाओं को जनता तक लेकर जाए। सीएम ने कहा कि बीजेपी राजनीति राज के लिए नहीं, देश बदलने के लिए करते हैं। हर व्यक्ति को उसका हक मिले, इसके लिए काम करते हैं। लगातार उन्होंने मेहनत की और आज जो 10-15 लोगों का जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण किया, आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ये देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने सभी से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं। इस अभियान के जरिए जो लक्ष्य 125 करोड़ का रखा गया है, उसे पूरा करें। पार्टी अपनी रीति और नीति के साथ आगे बढ़ रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार है और आम जनता के लिए लगातार काम कर रही है। हम सबको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं और आम जनता को पार्टी से जोड़ना है। वहीं राठौड़ ने कहा कि हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 125 करोड़ लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता देने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य हम बने और इस प्रकार से हमारा 51,613 जो बूथ है उसके हिसाब से हमारी 1,06,07,00,000 के करीब सदस्यता होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि हम 125 करोड़ से अधिक सदस्य बनाएंगे। तो हम सब कार्यकर्ताओं को, हम सब जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर और सदस्यता अभियान को और मूर्त रूप देना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक व्यक्ति को हम सदस्य बनाए। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर और हम जनसंपर्क करते हैं, प्रत्येक नागरिक तक पहुँचने का काम करते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को प्रदेश की 25 में से 11 सीटें मिली थी। इनमें से 4 सीटों के 31 बूथ ऐसे थे जिसमें एक भी वोट नहीं मिला था। सदस्यता अभियान के तहत पार्टी ने हर बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। भाजपा में किसी को स्थायी सदस्यता नहीं बनाया जाता है। हर 6 साल बाद दोबारा पार्टी का सदस्य बनना पड़ता है। भाजपा सदस्यता अभियान के तहत मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन करके कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।